हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये है क्लास 3 का साइंस का चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 5 सेंस ऑर्गेन्स हैं हमारी बॉडी में, वो 5 सेंस ऑर्गेन्स क्या हैं? स्किन, आइज, ईयर्स, टंग एंड नोज। स्किन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग टच करते हैं किसी भी चीज़ को अपनी स्किन से और फील करते हैं, ओके। आईज से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जबान से जो है टेस्ट करते हैं और नोज़ से जो है स्मेल करते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो है एक टेबल दिया है कि कोई भी चीज़ों का नाम लिखना है जिसको आप टच करते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसको सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ से चैप्टर जो है शुरू होता है। आवर बॉडी इज़ एन अमेजिंग मशीन, इट कैन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, इट टेल अस अबाउट आवर सराउंडिंग्स एंड हेल्प अस रिस्पॉन्ड, इट कैन ऑल्सो रिपेयर इट्सेल्फ, वी मस्ट लुक आफ्टर आवर बॉडी। हमारी बॉडी जो है वो क्या है, एक मशीन की तरह बहुत ही अमेजिंग मशीन है जो कि बहुत सारे काम कर सकती है। ठीक है, और हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है उसके बारे में भी बताती है और उसी हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक, जैसे कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से जो है अपने आप को कवर कर लेंगे। गर्मी है तो हम लोग कॉटन क्लोथ पहनेंगे या कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे अपनी बॉडी को नॉर्मल करने के लिए। तो हमारी बॉडी जो है सराउंडिंग के बारे में भी बताती है और उसी हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और हमारी बॉडी जो है क्या करती है, इट कैन ऑल्सो रिपेयर इट्सेल्फ, वो अपने आप को ठीक भी कर सकती है। और वी मस्ट लुक आफ्टर आवर बॉडी, हम लोग को अपनी बॉडी का क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। वी सी एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस बाय यूजिंग आवर 5 सेंस ऑर्गेन्स, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो आसपास का जो हमारा वर्ल्ड है तो उसको हम किस चीज़ से समझते हैं, अपने सेंस ऑर्गेन के यूज़ से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आँख है, कान है, नाक है, जबान है और हमारी स्किन है। अपार्ट फ्रॉम दीज सेंस ऑर्गेन, द वेरियस अदर ऑर्गेन्स इन आर बॉडी, देर आर वेरियस और अदर ऑर्गेन इन आर बॉडी टुगेदर, दीज ऑर्गेन्स फॉर्म ऑर्गेन सिस्टम। वाइल आर सेंस ऑर्गेन्स हेल्प अस टू नो अबाउट आर सराउंडिंग, द ऑर्गेन सिस्टम कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। ये सारे तो सेंस ऑर्गेन हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेन हैं हमारी बॉडी में जो कि क्या बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, ओके। और हमारा जो है सेंस ऑर्गेन जो है हमारी बॉडी को बताता है आसपास के बारे में, और उसके अलावा जो ये ऑर्गेन सिस्टम है वो अलग अलग काम करते हैं, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं। बट वॉट आर दीज ऑर्गेन सिस्टम मेड अप ऑफ, किस चीज़ से बना है ये सिस्टम जो है। ऑल द ऑर्गेन्स इन आर बॉडी आर मेड अप ऑफ स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ईच सच बिल्डिंग ब्लॉक्स इज कॉल्ड अ सेल। हमारी जो पूरी बॉडी बनी है वो छोटे छोटे ब्लॉक से बनी है, ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट और ऑफ आवर बॉडी, सेल जो है हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है। सिमिलर सेल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, एक जैसे कई सेल बना के क्या बनता है, टिश्यूज़ बनते हैं। और टिश्यूज़ जो है एक दूसरे से जुड़ कर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेन बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन दैट वर्क टुगेदर टू डू अ पर्टिकुलर वर्क फॉर्म्स एन ऑर्गेन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेक इट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बॉडी टू वॉक, प्ले, लर्न, वॉच, ग्रो एंड डू मैनी अदर एक्टिविटीज़। ऑल दीज ऑर्गेन सिस्टम टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। हमारा जो टिश्यू है वो सारा मिलकर जो है ऑर्गेन बनाता है और बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर एक कंप्लीट काम करते हैं। ठीक है, ये जो है एक ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं और इससे जो है बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हम लोग चल पाते हैं, खेल पाते हैं,
पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, बढ़ते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे काम करते हैं, ये सारे अपने ऑर्गेन सिस्टम के वजह से ही करते हैं। और सारे ऑर्गेन मिलके क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कंप्लीट बॉडी बनती है। ओके, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेन सिस्टम इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारा सिस्टम है, जैसे कि रेस्पिरेटरी है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्क्यूलर सिस्टम जो हमारे मसल्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाना हम खाते हैं वो पूरा जो डाइजेशन का उसका प्रोसेस है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे बॉडी के हर पार्ट में खून जो दौड़ता है डैट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम जो हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का वो बाहर निकलता है डैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ये सारा मेन हमारे बॉडी का सिस्टम है। इसके बाद है इंटरनल ऑर्गेन्स। Let us learn about some of the easily recognizable internal organs in our body along with their function. कुछ अंदर के organs के बारे में जानते हैं और उनके बारे उनका function देखते हैं कि वो क्या काम करते हैं। Feel your head with your hand. Is it hard or soft? हमारा head क्या है? Hard है। Now feel your cheeks with your hand. Is it hard or soft? आपका cheek क्या है? Soft है। द हार्ड पार्ट ऑफ द हेड डैट यू फेल्ट इज़ द बोन। हमारा सर हार्ड क्यों लग रहा है? क्योंकि वहाँ पर क्या है? बोन है। द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द चीक इज़ कॉल्ड मसल। और जो गाल है हमारा वो क्या है? मसल से बना है। बोन आर हार्ड वाइल मसल्स आर सॉफ्ट। आर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स, दे आर कवर्ड बाई स्किन। हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी? हड्डी और मसल से बनी है और उसके ऊपर स्किन से वो पूरा कवर है। Bones. The adult human body has total of 206 bones. They form a framework called the skeleton. एक adult body में एक बड़े इंसान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है? और ये पूरा एक फ्रेम बनाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन गिव शेप एंड सपोर्ट टू आर बॉडी। स्केलेटन का क्या नाम काम क्या काम है हड्डियों का? ये हमारी बॉडी को शेप भी देता है और सपोर्ट भी देता है। विदाउट स्केलेटन वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड स्ट्रेट और वॉक। अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन नहीं होता तो हम ना चल पाते ना खड़े रह पाते। स्केलेटन ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और स्केलेटन क्या करता है? हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उनको बचाता है। फॉर एग्जाम्पल द स्कल कवर द एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। जो हमारा हेड है उसको स्कल कहते हैं। उसके अंदर जो है हमारा ब्रेन जो होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। हमारा स्कल जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। और ये जो रिब वाला पार्ट दिख रहा है जो हमारे मतलब चेस्ट के पास होता है और पीठ में होता है जो पतली पतली हड्डी होती है डैट इज़ कॉल्ड रिब केज, वो जो है हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज़ कॉल्ड जॉइंट। जहाँ पर दो हड्डियाँ एक दूसरे के साथ मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है? जॉइंट कहा जाता है। जॉइंट आर द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर वी कैन बेंड। और जहाँ पर जॉइंट है वही हिस्से को हम लोग मोड़ सकते हैं, उसी को फोल्ड सकते कर सकते हैं, उसी को बेंड कर सकते हैं। देर आर अबाउट 360 जॉइंट्स इन आर बॉडी। और हमारी बॉडी में कितने जॉइंट्स हैं टोटल? 360 जॉइंट्स हैं। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज 305 बोन्स, देन हाउ डज द अडल्ट हैव 206 बोन्स? थिंक। अब जो है एक न्यू बॉर्न में जो है 305 हड्डियाँ अगर होती हैं तो छोटे बच्चों जब अडल्ट हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, 206 कैसे हो जाती हैं? पहले हड्डियाँ जो है एक दूसरे से अलग रहती हैं लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है? एक दूसरे से जॉइंट हो जाती हैं, ठीक है? इसके बाद जो है वो एक सिंगल हड्डी बन जाती है। ओके, मसल्स। मसल सर्व द बोन टू मूव। मसल के हेल्प से ही बोन जो है वो मूव करता है। देर आर मोर देन 600 मसल्स इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने मसल्स हैं? 600। सम मसल्स आर बिग वाइल अदर्स आर स्मॉल। द मसल्स इन आर लेग्स एंड आर्म्स आर बिग, द मसल्स इन आर आईज आर स्मॉल।
ठीक है, कहीं का मसल जो है बहुत ही बड़ा होता है, कहीं का छोटा होता है। इसके बाद आता है ब्रेन। द ब्रेन इज़ लोकेटेड इनसाइड द हेड। ब्रेन कहाँ पर है? सर के अंदर है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। जो ऊपर की खोपड़ी है जिसको स्कल कहते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को। द ब्रेन हेल्प अस टू थिंक। ब्रेन जो है हमको थिंक करने में, सोचने में मदद करता है, सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करता है आसपास से, फिर डिसाइड करता है, फिर रिस्पॉन्ड करता है। हम लोग अगर गर्म गर्म चीज़ को अगर टच करके और हमारी उंगली फौरन हट जाती है तो ये क्या है? हमारी ब्रेन, हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल दे रहा है कि वहाँ से, वहाँ पर डेंजर है, वहाँ से उंगली हटा लो। अंडरस्टूड? इट सेंड्स इट सेंड्स एंड रिसीव मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ आर ऑफ द बॉडी एंड गिव्स देम इंस्ट्रक्शन। ये जो है अलग अलग पार्ट से जो है मैसेज लेता है और फिर उसको उसी तरह से रिएक्ट करने का इंस्ट्रक्शन देता है। ओके, इसके बाद आता है हार्ट। द हार्ट इज़ अ हॉलो एंड मस्क्यूलर ऑर्गेनिज्म। हार्ट क्या है? हॉलो है, अंदर से खोखला है और मस्क्यूलर, मसल से बना है ऑर्गेन। इट पम्प्स द ब्लड थ्रू टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड द ब्लड वेसल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर बॉडी। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। हार्ट जो है पतली पतली नसों के जरिए पूरे बॉडी में खून को क्या करता है? पम्प करता है, मतलब पहुँचाता है। और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? चेस्ट में। इसके बाद है किडनी। वी हैव टू किडनीज। दे क्लीन द वेस्ट ऑफ द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। द यूरेटर कैन कैरी द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लडर। दिस यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लडर बिफोर बींग पास आउट। तो ये किडनी क्या है? दो किडनी होता है। ये क्या करता है कि खून से जो वेस्ट होता है उसको निकाल कर पास आउट कर देता है, यूरिन के थ्रू जो है पास आउट कर देता है बॉडी से। इसके बाद जो है आता है स्टमक एंड इंटेस्टाइन। वी च्यू द फूड इन आर माउथ। हम लोग मुंह में जो है खाना चबाते हैं फूड, उसके बाद जो है स्टमक में चला जाता है जो बैग की तरह होता है, फूड पाइप के थ्रू, है ना। मुंह से चबाएंगे तो वो फूड पाइप में जाएगा और वहाँ से वो स्टमक में चला जाएगा। इन द स्टमक द फूड इज़ चर्न्ड प्रॉपरली एंड मिक्स विद डाइजेस्टिव जूस। पेट में बहुत सारा जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, एंजाइम्स होते हैं, वो उसको क्या करते हैं? बिल्कुल पिघला देते हैं खाने को। द फूड देन ट्रांसफर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद खाना जो है कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द फूड फर्दर डाइजेस्ट बाई जूसेज। और वहाँ पर भी खाना जो है डाइजेस्ट होता है, वहाँ का जितना भी खाने का न्यूट्रिशन होता है वो सारा कुछ अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। दे हेयर द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर अब्जॉर्ब बाई द ब्लड। यहाँ से आँत से जो है, छोटी आँत से जो है खून में सारा न्यूट्रिशन जो है पास हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज़ टू द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद जो खाना का वेस्ट होता है, जो हम हजम नहीं कर पाते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और इसके बाद जो है हेयर वाटर प्रेजेंट इन द फूड इज़ अब्जॉर्ब। अब यहाँ पर जितना पानी होता है खाना में, एक्स्ट्रा पानी, वो भी अब्जॉर्ब हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ सेंट आउट थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ स्टूल एंड फीसेस। और उसके बाद जो है ये जो वेस्ट है खाने का, वो हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है, ठीक है। जो हम लोग स्टूल के ज़रिए जो है वो पास आउट हो जाता है। यहाँ पर देखिए इन्फो हब में, द फूड डैट वी ईट प्रोवाइड अस एनर्जी। खाना हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। बट बिफोर प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी देने से पहले इट नीड्स टू फर्दर ब्रेक डाउन एंड गेट अब्जॉर्ब बाई द बॉडी। एनर्जी तब मिलेगी जब उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करेगी। दिस इज़ नोन एज द डाइजेशन ऑफ द फूड। इसी को जो है क्या कहा जाता है? डाइजेशन ऑफ फूड कहा जाता है। द ऑर्गन दैट हेल्प टू
फूड टू ब्रेक डाउन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। और जितना ये ऑर्गेन्स जो है, जैसे कि फूड पाइप है, माउथ है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा जो है क्या बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता। After that is respiratory system. We breathe in air to live. We take the air through our nose. The air then travels down the windpipe into the lungs. After the air reaches the lung, we need to breathe out. हमको जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है। और हम लोग किस चीज़ से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं। उसके बाद जो है, जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो विंड पाइप के ज़रिए कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद लंग्स से जो है, फिर से जो है गंदी हवा जो है वापस आती है, जो कि हम लोग सांस को बाहर करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स टुगेदर फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या बनाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। द एयर डैट वी टेक इन इज ऑक्सीजन, नोन एज इनहेल्ड एयर। जो हम सांस अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है, और जो हम लोग बाहर करते हैं डैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ये जो हवा अंदर लेना और बाहर करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग इज इन इनहेलेशन, ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो हवा को बाहर निकालना, हवा को अंदर लेना इनहेलेशन कहता है, कहा जाता है, और बाहर करना जो है उसको एक्सहेल करना कहा जाता है, ठीक है। द लंग्स आर टू स्पॉन्ज लाइक कोन शेप स्ट्रक्चर डैट फिल मोस्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी। ओके, तो लंग्स क्या है, एक दो स्पॉन्ज की तरह जो है शेप का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो कि चेस्ट में है, ठीक है। और ये देयर एसेंशियल फंक्शन इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू द ब्लड स्ट्रीम एंड टू एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका मेन फंक्शन क्या है लंग्स का, कि ये जो ऑक्सीजन है उसको खून तक पहुँचाए और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर निकाले, ठीक। बिलो द लंग्स इज द मसल कॉल्ड डायफ्राम। तो जो लंग्स के नीचे एक मसल है जिसको डायफ्राम कहते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड्स एंड वाइल ड्यूरिंग इट मूव अपवर्ड। ये जो पार्ट है वो नीचे इनहेलेशन के टाइम में जो है नीचे जाता है और एक्सहेल के टाइम में ऊपर आता है, ठीक है। दिस मोमेंट चेंजेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। आप सांस लेंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो चेस्ट है वो फूला और फिर दब गया, फिर फूला फिर दब गया, ये जो है इसी वजह से होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। थैंक यू सो मच।